आप खाली Adobe Premiere मत सीखो, उसके साथ तो कुछ एक सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखने ही पड़ेंगे। एक सॉफ्टवेयर के भरोसे बैठना ये बहुत बड़ी मूर्खता है जी। आपको Photoshop, Illustrator, Adobe Audition हो गया, After Effects आपको आना ही चाहिए। अगर इस लाइन में आपको टिके रहना तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जिस वर्जन में भी आप सॉफ्टवेयर सीखते हो, जब आप मार्केट में काम करने जाते हो तो आपको उसी वर्जन में काम करने को नहीं मिलता। हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, या जो एडिटिंग करना चाहते हैं, जो एडिटर्स बनना चाहते हैं, उनको ये रहता है कि मैं इंस्टीट्यूट से कोर्स करूं या मैं ऐसी जगह से कोर्स करूं, जैसे कि आसपास लोकल में भी बहुत सारी चीज़ें जो सिखाते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं जी कि कोर्स आप जहां से भी कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी, आप कहां से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप वहां जाकर कितना अपने उस चीज़ को, उसको कोर्स कर रहे हो, अपना पैशन बनाते, कितना उस इंटरेस्ट के साथ उसको आप लर्न कर अपनी लाइफ में लेकर आते, वो डिपेंड करता है। जो मेरे साथी हैं जो आजकल युवा आ रहे हैं, उनको एक बताऊंगा, जैसे मुझे बताया कि भाई आप खाली Adobe Premiere मत सीखो, उसके साथ तो कुछ एक सॉफ्टवेयर हैं जो आपको सीखने ही पड़ेंगे अगर आप इस लाइन में रहते हो, अगर आप पैशन बनाना है। तो क्योंकि कई एडिटर मेरे साथ ऐसे भी हैं और कई एडिटर को मैं जानता हूँ मार्केट में जो अच्छे खासे जॉब कर रहे हैं, पर उनके साथ आप ये कह लो कि एक लक फैक्टर है या फिर वो मतलब कि कभी उन्होंने जॉब ही चेंज नहीं किया, उनको ये लगता है कि केवल एक सॉफ्टवेयर के सीखने से उनका सारा जो है ना दुनियादारी वैसी की वैसी चलती रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस फील्ड में केवल एक सॉफ्टवेयर के भरोसे बैठना ये बहुत बड़ी मूर्खता है जी। आपको Photoshop, Illustrator, Adobe Audition हो गया, After Effects आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और अगर यदि आप Mac में काम करते हो तो FCP 10 हो गया, और उसके साथ मोशन का सॉफ्टवेयर आता है, वो आपको सीखना पड़ेगा जो ग्राफिक्स, मोशन ग्राफिक्स के लिए होता है। फिर भी ये कहूँगा कि आपको अगर इस लाइन में आपको टिके रहना है जी, लगातार टिके रहना है, तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा जी। और आप ये नहीं है कि आपने Adobe Premiere सीख लिया या अभी आपने Apple का FCP X सीख लिया तो आप एक मतलब लॉन्ग टर्म आप इसमें काम कर सकते हो जी। नहीं, आपको बहुत सारी है सॉफ्टवेयर इससे, तो आपको सीखने ही पड़ेंगे। और उसमें वर्जन जो अपडेट होते हैं, जैसे कि प्रीमियर पहले 2.0 आता था, जो मैंने जो स्टार्ट किया था Adobe Premiere 2.0 से, उसके बाद से फिर वो ऑब्सोलीट हो गया मार्केट से, CS4 आया, CS5 आया, CS6 आया, यानी क्रिएटिव सूट 4, 5, 6 आया, उसके बाद से उन्होंने पूरा उसको जो है ख़त्म कर दिया और अब जो है ना वो CC करके आने लगा। आप जो भी सॉफ्टवेयर सीखते हो, जिस वर्जन में भी आप सॉफ्टवेयर सीखते हो, जब आप मार्केट में काम करने जाते हो तो आपको उसी वर्जन में काम करने को नहीं मिलता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपने सीखा हो 2024 का प्रीमियर और 2025 पे काम करना पड़ जाए, उसमें टूल्स कुछ चेंज हो जाते हैं, कुछ अपडेट्स आ जाते हैं, कई चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। अब तो क्योंकि बहुत एडवांस हो गया है, पहले तो प्रीमियर इतना लोड भी नहीं लेता था, अब तो बहुत जो है ना फ्लेक्सिबल हो चुका है, 4K 8K की वीडियोज़ एडिट कर रहा है।